नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सीरी है जी, गांव के लोड कला जिला रोहतक गोहाना रोड पर है जी। लगातार जाट नेताओं की उपस्थिति संत रामपाल जी के कार्यक्रम में देखने को मिलती है, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? इसके पीछे ये वजह है जी, पहले मीडिया ने या कुछ राजनीतिक लोगों ने अपना फायदा उठाने के लिए समाज में दुष्प्रचार फैला दिया कि रामपाल गलत है, लेकिन जब जाटों में जागरूकता बनी और लोगों को पता लग गया कि रामपाल निर्दोष है, रामपाल में कोई कमी नहीं है, संत महात्मा है, इस वजह से जाटों में जागरूकता जगी और जाट इनके साथ में जुड़ने लगे। हरियाणा में लगातार संत रामपाल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अमूमन हम देखते हैं जब किसी संत के ऊपर आरोप लग जाता है तो उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में यह कहना है जिन में कमी होगी उनका ग्राफ तो नीचे आएगा और जिस संत महाराज में कमी नहीं होगी उनका ग्राफ तो दिन प्रतिदिन ऊंचा जाएगा। अभी तो यह शुरुआत हुई है, एक दिन विश्व गुरु सारे संसार को यह मानना पड़ेगा कि संत महात्मा जो है सही है और जो ये और हैं ये गलत हैं। एक जाट नेता के तौर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जाट नेता के तौर पर हम ये बता देना चाहते हैं कि जाटों में आज के दिन पूरे विश्व में संत है तो रामपाल जी है। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करके मीडिया के माध्यम से या अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दुष्प्रचार फैलाया कि रामपाल जी ऐसी बबूत देते हैं, जिसको दे देते हैं वो गेल गेल हो लेता है, लेकिन समाज ने जब इस सच्चाई का पता लगा या तो लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए। आप तो मीडिया हो, आपको सबका ज्ञान है, आप पूरे विश्व में घूम लो, अगर कहीं भी विश्व में किसी प्रधानमंत्री की जनसभा में या 10 प्रधानमंत्री की सभा में अपने खर्चे से अगर कहीं इतनी पब्लिक जाती हो तो मैं उसमें अपना दोष कबूल करूंगा। ये तो संत महात्मा की माया है जो इतनी पब्लिक अपने खर्चे से तन मन धन से और श्रद्धा से यहाँ एकत्रित तो हुई है, नहीं तो प्रधानमंत्री की जनसभा में भी आदमी नहीं जाते। सर, हमने देखा पिछले जब कार्यक्रम संत रामपाल का हुआ तो सैकड़ों जोड़ों की शादी बिल्कुल दहेजरित हुई थी, आपकी बार भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह से गरीब परिवारों की शादी पहले होती रही है इसी तरह से अब की बार भी गरीब परिवारों की शादी संतियों के कर कमलों द्वारा हमारे अमन दास जी मास्टर जी अब की बार भी इसी तरह से शादी करवाने जा रहे हैं। और संत फिर दोहराना चाहता हूँ, संत रामपाल के खिलाफ कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दुष्प्रचार फैलाया गया वो निराधार था, लेकिन सच्चाई ये है संत रामपाल जी तो संत ही हैं। ये राम रहीम आसाराम जैसे संत नहीं हैं जिनके ऊपर निश्चित अनेक प्रकार के दोष लगे, संत जी तो बिल्कुल निर्दोष हैं, निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे। जिस तरह से संत रामपाल का ग्राफ हरियाणा में बड़ा है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं? इसके पीछे कारण यह है लोगों में जागरूकता, पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, आप जैसे मीडिया के भाइयों ने दुष्प्रचार फैलाया और उस दुष्प्रचार के कारण लोगों में अहंकार मच गया, लेकिन आज लोगों में जागरूकता होगी, दुष्प्रचार को मानते नहीं लोग, उनमें अपनी आत्मा की जिज्ञासा होगी, उनका अपना खुद का ज्ञान जागृत हो गया, एक दिन विश्व का हर एक नागरिक संत रामपाल जी को संत रामपाल जी मानेगा, ये सच्चाई है। जाट समाज के बीच में और संत रामपाल के बीच में जिस तरह का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जिस तरह की नज़दीकियां बढ़ी हैं इसकी मिसाल दी जा रही है हरियाणा में, और काफ़ी नज़दीकियों के बढ़ते हुए काफ़ी छत्तीस बिरादरी के लोग भी संत रामपाल के साथ जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और इसका लाभ किसको मिलने वाला है? भाई साहब, जो निर्दोष होगा निर्दोष के साथ में तो जनता अपने आप जुड़ती जाएगी। इन्होंने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राजनीतिकों ने दुष्प्रचार फैला करके संत की आत्मा संत की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, लेकिन कभी संत महात्माओं की आवाज़ दबती नहीं, वो अपने आप जागृत होती है। और एकले जाट नहीं, छत्तीस बिरादरी संत रामपाल जी को संत मानते हैं, असलियत में संत है, भगवान का दूसरा रूप है। आप संत रामपाल जी की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें तो आप किस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि ये बात किसी अन्य संतों में नहीं है या अन्य समाज में नहीं है?
समाज में जितनी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों का संत जी ने विरोध किया है और इससे हमारी आत्मा जागृत तो होकर के अकबर संत जी जो इनके अनुयायी जो बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमारी आत्मा जागृत हुई। हमारी क्यों पूरे विश्व के संसार के हरेक नागरिक की आत्मा जागृत हुई और संत जियों का आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल में पहुंच रहे हैं। आज आप एक जाट समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, एक जाट नेता के तौर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जाट नेता के प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां आए हैं। हम सभी जाटों से क्या 36 बिरादरी से पुरजोर हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। सच्चाई तो सच्चाई होती है। संत रामपाल जी में कोई कमी नहीं है, जिसमें कमी नहीं होगी वो दोषी नहीं होगा। सर एक बात ये भी है, कितने सारे आरोप लगने के बाद भी आप लोगों का संत रामपाल जी में जिस तरह से विश्वास बढ़ा है, इसके लिए सबसे मेन वजह क्या मानते हैं? इसकी मेन वजह है दोस्त तो कोई है ही नहीं, दोस्त तो कोई साबित नहीं होया। जब दोस्त साबित नहीं होया तो दोषी कहाँ से हो गए? ये तो कुछ लोगों ने गुमराह करके हमारे को आपको सबको देश में दुष्प्रचार फैला करके गुमराह किया गया इस जनता को। इस जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक हो गई है। जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, ना मंत्री के, ना मुख्यमंत्री के, ना प्रधानमंत्री के, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता सच्चाई को जान चुकी है और सच्चाई ये है कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। आप एक ऐसी पहल मानते हैं इस कार्यक्रम को? ये समाज में बहुत बढ़िया पहल है। संत जियों ने उनकी शादी करवा दी, जोड़े मिलवा दिए, तो क्या बुराई है? ये तो समाज में एक प्रचम बहुत बड़ा कार्य है। समाज में कुछ ही लोग ऐसा कार्य करते हैं जो संत महात्मा जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने। धन्यवाद जी, धन्यवाद।